मध्य प्रदेश में एक बार फिर पुलिस के बुरे बर्ताव का चेहरा सामने आया है। नीमच में थाने के अंदर एसआई ने महिला को गालियां दी, उसे जेल में डालने तक की धमकी दी, जूते मारने की भी बात कही। महिला के ससुर ने बेटे बहू पर प्रताड़ना का केस कराया है। इसी केस में पूछताछ के लिए महिला को थाने बुलाया गया था। मामला एक महीने पहले कुकड़ेश्वर थाने का बताया जा रहा है। इसका वीडियो अब सामने आया है। वीडियो में महिला एसआई मोहन सिंह चौहान पर रिश्वत लेने का आरोप लगा रही है। बात बिगड़ गई और एसआई इतना गुस्सा हो जाते हैं कि वे उसे गालियां देने लगते हैं। महिला जब विरोध करने लगी तो एसआई ने धारा 353 का दर्ज कर जेल में बंद करने की धमकी भी दे डाली। महिला का नाम आशा मालवी और उसके पति का नाम शौकीन मालवी है। कुकड़ेश्वर थाने के टीआई संदीप तोमर का कहना है कि ससुर ने बहू और बेटे के खिलाफ शिकायत की थी। पूछताछ के लिए दोनों को बुलाया गया था। बहस के दौरान गुस्से में एसआई चौहान ने महिला को कुछ बोल दिया। इसका वीडियो सामने आया है। मामले में जांच की जा रही है। जांच के बाद ही कुछ स्पष्ट कह पाएंगे। औकात मेरे अपनी जानबूझ के दो इन्हें चीट की जबरदस्ती उसको फंसाने के लिए। सर पैसा तो नहीं लिया आपने?